दोस्तों, मुकेश कपूर जी ने फेसबुक में ये पोस्ट शेयर की है। इसमें आप देख सकते हैं, पहली तस्वीर में बिफोर एक पुलिस कर्मचारी ने एक तस्वीर लगाई हुई है, ऊपर लिखा है वांटेड। और दूसरी ही तस्वीर में आफ्टर सेम टू सेम व्यक्ति की पोस्टर लगाई है, लेकिन ऊपर लिखा हुआ है मिनिस्टर। यानी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर कार्टूनिस्ट कि जिन पर लगातार गुंडा होने के आरोप लगते थे, जो वांटेड रहे थे, वही आजकल मिनिस्टर बन रहे हैं। मतलब जितने भी गुंडे मवाली लोग हैं वो मिनिस्टर बन रहे हैं जो अनपढ़ हैं, और ये बेचारे पढ़े लिखे पुलिस कर्मचारी पढ़े लिखे होकर भी उन अनपढ़ नेताओं को सैल्यूट करना पड़ रहा है। लगभग हर पॉलिटिकल पार्टी में आज कुछ ऐसे नेता ज़रूर हैं जिन पर गंभीर आरोप लगे हुए हैं, जिन पर बड़े बड़े आरोप लगे हैं। जैसे किसी पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा है, किसी पर करप्शन का आरोप लगा है, यहाँ तक कि किसी पर कत्ल के आरोप तक लगे हुए हैं। लगभग हर पॉलिटिकल पार्टी में ऐसे नेता मौजूद हैं। तो देश की स्थिति फिलहाल ऐसी हो चुकी है, जो जितने भी अनपढ़ गवार और मवाली नेता हैं जो वांटेड कहलाने के लायक हों, वो आजकल मिनिस्टर बन रहे हैं जो अनपढ़ हैं, और पढ़े लिखे पुलिस कर्मचारियों को मजबूरन उनको इज्जत करनी पड़ रही है। अभी रिसेंटली हमने देखा, नरेंद्र मोदी जी बोल रहे थे कि एनसीपी ने न जाने कितने हजारों करोड़ का घोटाला कर दिया। अभी रिसेंटली अजीत पवार जी को ही, जो एनसीपी के हैं, खुद मोदी जी ने उन्हें पार्टी में शामिल कर लिया अपनी बीजेपी में। तो जिस तरह से कल तक जो लोग भ्रष्टाचारी थे, जो लोग वांटेड थे, वो आजकल बड़े बड़े नेता और देशभक्त पार्टियों में भी शामिल हो रहे हैं। पता है ना आप सबको? नहीं पता है, कहाँ पता है, हाथ ऊपर करो किसको पता है। वैसे इस पर पॉलिटिकल पार्टियों का ये पक्ष है कि हर पॉलिटिकल पार्टी खुद के करप्ट नेता के बारे में ये कहती है कि अपोजिशन पार्टी ने नाहक बेकार में उन पर झूठे आरोप लगाए हुए हैं। उस पॉलिटिकल पार्टी के सारे नेता जो हैं वो पवित्र हैं, लेकिन अपोजिट पार्टी के नेता करप्ट हैं। अब उस अपोजिट पॉलिटिकल पार्टी के नेता भी यही कहते हैं कि भाई, हमारी पार्टी में सारे के सारे दूके धुले हैं, अपोजिशन पार्टी जो है वो बेकार में नाहक हम पे झूठे आरोप लगा रही है। तो ये सारे अपने अपने पक्ष हैं पॉलिटिकल पार्टियों के। दोस्तों, इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? क्या देश की जनता को सच में ऐसे नेता को वोट करना चाहिए जो वांटेड टाइप का ना हो, जो पढ़ा लिखा हो? क्या ऐसे ही नेता को जनता को चुनना चाहिए, या फिर किसी भी वांटेड टाइप के नेता को चुना जा सकता है? आप अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। थैंक यू सो मच गाइस। तो क्या बोलेंगे सर? नहीं, अब मैं पूछूंगा ऐसा कैसे हुआ। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगा। मैं कहूंगा, मोदी कहाँ है तेरा 56 इंच, कैसा है तू? तू रेजिग्नेशन दे दे, तू हट जा। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं।